अमाउंट ऑफ वॉर कितना अमाउंट ऑफ वॉटर है यही डिसाइड करता है प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगी डिस्ट्रीब्यून प्लाट्स की और कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी प्लांट्स की अगर हम किसी है बात करें क्वालिटी ऑफ वॉटर जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इन टर्स दैन टर्स दैलिनिटी टेम्परेचर सैलिनिटी क्या होता है सैलिनिटी होता है कितना साल्ट डिजो है इस वॉटर के अंदर ठीक है उसके बाद हमने दो टर्म्स अगेन यहाँ पे मैं यूरी हेलाइन एंड स्टोनो हेलाइन आईसी ऑर्गेजम जो थ्राइव कर सकते हैं

यानी कि जिस जिन रेडिएशन के बेसिस पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो होती है इन बिटवीन द 400 टू 700 नैनोमीटर इट रेंज फ्रॉम द 400 टू द 700 नैनोमीटर यूवी लाइट जो होती है एक बहुत हार्मफुल लाइट होती है हमारे ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर सकती है तो प्लांट्स प्लांट्स नीड लाइट फॉर द फोटो सिंथस प्लांट को जरूरत होती है फोटो लाइट जो होती है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए भी प्लांट्स के लिए भी प्लांट्स को ये जरूरत है फॉर फोटो सिंथस एंड फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग एंड ऑन है एनमल्स की बात करें इनको किसत होते हैं इट इज नीडेड फॉर दिपोडक्शन एंड फॉर द माइग्रेशन ठीक है उसके बाद अगर हम सॉइल की बात करें सॉइल जो होता है नेचर ऑफ द सॉइल होता है डिपेंड करता है क्लाइमेटिक क्लाइम की वो जिस एरिया की सॉइल की अगर हम बात करें उसके नेचर की अगर हम देखना कि इस का नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है कि वहां पे कैसी क्लाइमेटिक होंगी पे पे वेदरिंग वेदरिंग एंड डिपेंड करता है और ये जो कंपोजिशन होती है या ग्रीन होती है पीएच मिनरल्स होते हैं यही करते हैं है अगर हम सॉइल की कंपोजिशन की बात करें इसके ग्रीन साइज की बात करें यहाँ पे पीएच पीएच और मिनरल्स की बात करें तो यही डिटरमेंट करता है कि यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होगी ठीक है तो वही क्या करता है वो ही उसके बाद सपोर्ट करता है उसी सॉइल के हिसाब उसी वेजिटेशन के हिसाब से यहाँ पे एनिमल्स का सपोर्ट भी किया जाता है ठीक है उसके बाद है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स हमारे पास वेरियस वेज है जहाँ जो लिंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स है तो मतलब उसी हिसाब से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है जैसे कि रेगुलेटर्स हो गए हो गए इसी तरीके से माइग्रेट हो गए सस्पेंडर्स हो हो गए गए तो ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले अगर हम रेगुलेटर्स के बारे में बात करें ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इनके पास एबिलिटी होती है टू तो मेंटेन द होम्योस्ट्रस होम्योस्ट्रेस क्या होता है अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बाई चेंजिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स तो ये इंश्योर क्या करता है ये इंश्योर करता है थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है तो ये अगर हम बात करें ये प्रॉपर्टी है बर्ड्स की मैमल्स की एंड कुछ वर्टिब्रेट्स की उसके बाद अगर हम पहले होम्योस्ट्रेसिस की बात करें होम्योस्ट्रेस हमने बोला कि मेंटेन करना बॉडी टेम्परेचर को ह्यूमन की टेंडेंसी है इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की फॉर एग्जाम्पल अपना बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं मेंटेन अपना बॉडी टेम्परेचर विंटर्स में ये क्या करते हैं विंटर्स में शिवरिंग होती है इनकी जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है एंड समर्स में क्या होता है ये स्वेटिंग करते हैं जिसकी वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है

तो ये अगेन अपना डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से चलाता है उसके बाद है एक एक ऐसा टेम्परी सस्पेंशन होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ताकि वो किन से निकले अनफेवरेबल कंडीशन से फॉर एग्जांपल आपके पास जू प्लैंकटन आते हैं जो कि लेग्स एंड पॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर टू अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा थैंक यू सो मच